हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है कॉन्शियस लाइफ ऑफ अर्चना। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में ही एक बेल का आइकॉन है जिसे आप प्रेस कर लिए ताकि जब भी मेरी नई वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज मैंने अपने सुबह के मॉर्निंग के काम ख़त्म कर लिए हैं और मैं फ्री थी तो मैंने सोचा क्यों ना अपने फुट केयर कर लिए जाए। हम लोग अपने सारी बॉडी का केयर करते हैं बट हम अपने पैरों को जो है वो कई बार इग्नोर करते हैं। सबसे पहले मैं अपने नेल पेंट को रिमूव कर लूँगी। इसके लिए मैं ये नए नेल पेंट वाइप्स यूज़ करती हूँ। जब से मैंने ये यूज़ करने शुरू किए हैं आई एम इन लव विद इट, और ये काफ़ी जल्दी जो ग्लिटरी है वो नेल पेंट को भी रिमूव कर देती है। नहीं तो नेल पेंट जो होते हैं ग्लिटरी उसे रिमूव करना काफ़ी मुश्किल होता है, और ये झट से ही और एक वाइप से ही आप सारी जो नेल पेंट को रिमूव कर सकते हैं। एक्चुअली मेरी एक हैबिट है, मैं अपने फेस की इतनी केयर नहीं करती जितनी कि मैं अपनी पैरों की केयर करती हूँ। हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें अपने पैरों की बिल्कुल भी केयर करने का टाइम नहीं मिलता। बट मेक श्योर कि आप अपने जो पैरों को बहुत ही अच्छा उनका केयर करें। अगर आप फेशियल के लिए टाइम निकाल सकते हैं तो आप पेडिक्योर के लिए भी बिल्कुल टाइम निकालें। नेल पेंट रिमूव करने के बाद मैं अब ये फुट स्क्रेपर से अपनी जो एड़िए हैं उनके ड्राई स्किन को रिमूव करूँगी। मैं ये स्क्रेपर यूज़ कर रही हूँ, इसके एक साइड पे सैंड पेपर है और दूसरी टाइप ये आयरन का स्क्रेपर है। तो मैं सैंड पेपर की तरफ से अपने सारे पैरों की जो ड्राई स्किन है, डेड स्किन है, उसे रिमूव कर लूँगी। देखिए सैंड पेपर से कैसे डेड स्किन रिमूव हो रही है। मैं दोनों पैरों से ऐसे ही डेड स्किन रिमूव कर लूँगी। एक्चुअली मैंने बाथ लेने के टाइम जो है वो दूसरे साइड से अपने पैरों को अच्छे से क्लीन कर लिया था, बट जो सैंड पेपर से जब आपके ड्राई हो जाते हैं पैर तभी आप अपनी डेड स्किन को रिमूव कर सकते हैं। मैंने अच्छे से अपने पैरों की डेड स्किन जो है वो रिमूव कर ली है। अब मैं अपने पैरों को साफ करके एक टॉवल से क्लीन करके अपनी एड़ियों पे बोर प्लस या कोई भी आप फुट क्रीम अप्लाई कर सकते हैं, बट मेरे को ये बोरो प्लस हमेशा हैंडी रहती है मेरे पास, तो मैं ये इसी को ही अपनी फटी एड़ियाँ, जहाँ फटी तो नहीं है मेरी एड़ियाँ, तो उन पे मैं ये अप्लाई कर लूँगी। मैंने नेल पेंट नहीं लगाई क्योंकि मुझे नेल पेंट अप्लाई करना अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं नेल पेंट नहीं लगाती तो मेरे जो पैर है वो ज़्यादा अच्छे और क्लीन लगते हैं। और ये मेरा अमेज़ोन से पार्सल रिसीव हुआ है, अभी मैं दिखाती हूँ इसकी अनबॉक्सिंग। ये मैंने क्या अपने लिए ऑर्डर किया है, मैंने आईलैशेस फेक आईलैशेस का सेट ऑर्डर किया था। इसमें 10 आईलैशेस हैं। ये मुझे ऑनलाइन जब मैंने इसे देखा तो मुझे लग रहा था कि ये सारी नेचुरल लुक देती हैं, फेक आईलैशेस हैं, बट इसकी जो लुक है वो फेक सी नहीं लगती, काफ़ी नेचुरल से लग रहे थे, तो मैंने इसे ऑर्डर कर दिया। ये विद इन 5 डेज ये मुझे मिल गया है। जल्दी ही मैं इसका रिव्यू वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो उसके बाद मैं अब लंच की प्रेपरेशन कर लूँगी। उसके लिए आज मैंने डिसाइड किया है मैं
पालक वाली चने की दाल बनाऊंगी। उसके लिए मैंने एक कटोरी, एक कप जो है चने की दाल ली है और हाफ़ कप मैंने लिया है उड़द की दाल। इसे मैं अब अच्छे से वॉश करके हाफ़ एन आवर के लिए, थोड़ी देर के लिए भिगो दूंगी। दाल को भिगोने के बाद मैं अब अपने पालक की प्यूरी की प्रेपरेशन कर रही हूँ। उसके लिए मैं पालक को सबसे पहले अच्छे से, मैंने इसको साफ़ कर लिया है। अब मैं इसे चॉप करके थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको एक पिसल आने तक इसे मैं कुक कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं इसे ब्लेंडर से इसकी प्योरी रेडी कर लूँगी। आधा घंटा हो गया है, अब मैं अपनी दाल को भी पका लूँगी। मैं इसे कुकर में ऐड करके थोड़ा सा पानी ऐड करके नमक और हल्दी डाल के इसे मैं 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लूँगी। दाल में मैंने ऐड किया है नमक, हल्दी और थोड़ी सी हींग, और मैं थोड़ी सी जो हींग है वो तड़के में भी यूज़ करूँगी। जब हमारी एक विसल आ जाए तो मैं इसे लो फ्लेम पे कर दूँगी। हमारी जो दाल है वो अब पक गई है। इसमें थोड़ा सा ये थोड़ी सी ये थिक बनी है, बट मैं इसे तड़का लगाने के टाइम भी इसमें थोड़ा सा गर्म पानी मैं ऐड कर दूँगी। वैसे हमारे घर में ज़्यादा पतली दाल पसंद नहीं करते। इसके बाद मैं इसके तड़के की तैयारी कर लूँगी। तड़के के लिए मैं ले रही हूँ प्याज, जिसे मैं चॉप कर लूँगी। आप लोग मुझे शेयर करके, कमेंट करके बता सकते हैं कि जब प्याज के जो रेट थे वो काफ़ी हाई थे, तो आप कितनी क्वांटिटी जो है प्याज की यूज़ करते थे। मैं तो तब एक ही प्याज यूज़ करती थी। अब अच्छा टाइम है तो अब मैं जो है दो जो प्याज है वो तड़के के लिए यूज़ करूँगी। साथ ही मैं एक ग्रीन चिल्ली भी कट कर लूँगी। उसके बाद मैं दो जो है टोमेटोस को चॉप कर लूँगी। आप चाहे तो टोमेटो प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ में मैं ले रही हूँ ये चॉप्ड जिंजर गार्लिक। मैंने एक कढ़ाई गैस ऑन करके कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया है, और उसके बाद मैं एक कड़छी जो है मैं देसी घी की ऐड करूँगी। आप चाहे तो नॉर्मल रिफाइंड या मस्टर्ड ऑयल भी तड़के के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट तड़के में, दाल के तड़के लिए देसी घी का जो टेस्ट है वो बेस्ट है। मैंने अपनी पालक की प्यूरी भी रेडी कर ली है। हमारा जो घी है वो अब अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून जीरा, और उसे भी मैं क्रैकल होने दूंगी, और थोड़ी सी मैं इसमें डालूंगी हींग। आप चाहे तो दाल में भी डाल सकते हैं, बट मैं कई टाइम तड़के में ही डाल देती हूँ। फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी अपने चॉप्ड अनियन। इन्हें भी मैं अब भून लूँगी जब तक ये गोल्डन ब्राउन और अच्छे से पक जाए। इसे आप बीच बीच में हिलाते जाएँ। इसे मैं 2 से 3 मिनट पे कुक करूँगी। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, हमारे प्याज जो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और पक गए हैं। जब प्याज अच्छे से पक जाए तो उसमें मैं ऐड करूँगी चॉप जिंजर गार्लिक। अब इनको भी मैं अच्छे से पका लूँगी ताकि इनसे कच्चा जो इनका फ्लेवर है वो दूर हो जाए। अब हमारे प्याज जिंजर गार्लिक अच्छे से पक गए हैं, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी अपने चॉप टमाटर। अब इसे भी मैं अच्छे से पका लूँगी ताकि जो सॉफ्ट हो जाए हमारे टमाटर, और उसमें ऐड करूंगी अपनी चॉप्ड चिली।
हमारे जो टमाटर है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसके बाद में मैं इसमें ऐड करूँगी जो मैंने पालक की प्यूरी बनाई थी। आप चाहे तो दाल में भी डायरेक्टली डाल सकते हैं, बट मैं पहले जो पालक की प्यूरी है उसे अच्छे से जो है पका लूँगी। उसके बाद में मैं अपने रूटीन के जो मसाले हैं वो ऐड करूँगी, जैसे कि गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ी सी मैं इसमें ऐड करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च। इससे क्या होगा कि आपकी जो दाल है वो तीखी नहीं होगी बट अच्छा सा उसमें कलर आएगा। पालक और बाकी जो मसाले वो भी अच्छे से पक गए हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपनी बॉयल्ड दाल। उसे भी मैं अब अच्छे से मिक्स कर लूंगी और 5 से 7 मिनट के लिए अब मैं इसे फिर से पकने दूंगी। हमारी दाल अब पक के रेडी है और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग और रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोस एंड अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।